Hello, good morning students, and welcome here. So today we will continue the French Revolution lesson of history. So here today our topic is Estates General. What was Estate General? Do you know estates? What are the estates? As we all know that French society was divided into different three estates: Estate 1, Estate 2 and Estate 3. Estates General. General yani ke टुगेदर जितनी भी तीनों ही एस्टेट्स हैं उनका एक जगह पे इकट्ठे होना, दैट इज एस्टेट जनरल. सो नॉर्मली एस्टेट जनरल इज अ मीटिंग ऑफ ऑल थ्री एस्टेट्स. व्हाई दे मीट टुगेदर? टू टेक एनी मेजर डिसीजंस. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर डिफरेंट पीपल आर सिटिंग हेयर, बट इन दिस पिक्चर बहुत ही कॉमनली हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं. द पीपल हु आर सिटिंग हेयर इन द फर्स्ट रो, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है उनका. ये देखिए, इधर एक साइड बैठी है सेम कपड़े पहन के, बट इस साइड कुछ लग रहे हैं. देखिए दीज पीपल्स कुछ सिपाहियों की तरह लग रहे हैं. दे आर सिटिंग दिस साइड. इन सब का प्रॉपर अपने बैठे हैं, देखो ऊंची जगह पे बैठे हैं, रूलर की तरह राजा है, साथ में सिपाही हैं. अदर पीपल आर विद देम एंड दिस साइड सेम कपड़े, ब्लैक कोट, जो भी इन्होंने कपड़े जिस तरह भी पहने हुए हैं. दीज आर द नोबेलिटीज, दीज आर द नोबेलिटीज, सॉरी क्लर्जी. क्लर्जी पीपल बिलोंग टू द चर्च, चर्च से संबंधित बंदे इस साइड बैठे हुए हैं, और ये ऊंची जगह पे जो भी सामने इस साइड पे सब बैठे हैं, दीज आर द नोबेलिटीज. बट बैक साइड पीपल जस्ट ऐसे खड़े हुए हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हुए. देखिए, दे आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, सम आर स्टैंडिंग एंड दे आर लुकिंग इन मोर नंबर्स. इधर उधर सब खड़े हुए हैं. दीज पीपल आर ऑफ द थर्ड एस्टेट, दीज आर द कॉमन पीपल. सो इन द एस्टेट जनरल वी कैन से दैट, इस पिक फोटो को देखने के बाद ही लगता है कि दोनों फर्स्ट टू एस्टेट्स जो हैं, ये दोनों ही, इनकी वैल्यू इस मीटिंग में हमेशा ज़्यादा होती है. कोई भी डिसीजन लेना हो तो हर एस्टेट वन वोट सिस्टम होता है. अगर मान लीजिए इन्होंने अभी जो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें लुई 16 का मेन मोटिव था टू इम्पोज न्यू टैक्सेस ऑन द पीपल. अब मेजर डिसीजन लिया जाए या ना लिया जाए, उसके ऊपर होती थी वोटिंग. वोटिंग कैसे होती थी? थ्री एस्टेट में वन एस्टेट वन वोट, तीन वोटें डाली जाती थी कि कोई काम करना है या नहीं. तीन में से ज़्यादा वोटें जहाँ पर पड़ेंगी, दो एक साइड आ गई, तो इट मीन्स जहाँ पर वोट्स ज़्यादा हैं that decision will be taken. And most of the time decision वही होता था जो estate 1 and estate 2 मिल के करती थी, क्योंकि ये लोग तो हमेशा आपस में मिले ही हुए होते थे. और थर्ड एस्टेट की कोई भी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि बिकॉज उनके पास सिर्फ एक ही वोट होती थी. इसीलिए जब इस बार जो एस्टेट जनरल बुलाया गया न्यू टैक्सेस इम्पोज करने के लिए लोगों के ऊपर, बट इस समय इन थर्ड एस्टेट देयर वर मैनी एजुकेटेड पीपल, दोज आर नोन एज मिडिल क्लास. हमने पढ़ा है ना फ्रेंच सोसाइटी, वहाँ पे थर्ड एस्टेट में कुछ लोग थे, दोज आर नोन एज राइजिंग मिडिल क्लास, एजुकेटेड बिजनेसमैन, लॉयर्स एंड अदर पीपल. तो उन्होंने वहाँ पे ये डिमांड रखी थी कि वन पर्सन वन वोट, वन एस्टेट वन वोट नहीं होगा, वन पर्सन वन वोट होगा. अगर इनकी यहाँ पे संख्या की बात करें, एस्टेट वन में अराउंड 300% थे, एस्टेट टू में भी अराउंड 300% थे, बट एस्टेट थ्री में मोर देन 600 पीपल वर देयर. सो इस बार उन्होंने यहाँ पे थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो लीडर थे, दे डिमांडेड दैट देयर शुड बी नो वन एस्टेट वन वोट, हेयर मस्ट बी वन पर्सन वन वोट. जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या वोटिंग राइट्स की बात जब हम करते हैं, वो भी आइडिया, उसकी शुरुआत भी यहाँ से ही हुई. ठीक है, तो यहाँ पे एस्टेट जनरल को बुलाया गया, इसकी मीटिंग हुई. सो और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. एस्टेट जनरल, द एस्टेट जनरल ऑफ 1789 वाज अ जनरल असेंबली रिप्रेजेंटिंग द फ्रेंच एस्टेट्स ऑफ द रियल्म. द क्लर्जी फर्स्ट एस्टेट, द नोबेलिटी सेकंड एस्टेट एंड द कॉमनर्स, कॉमनर्स भी कह देते हैं, कॉमन पीपल थर्ड एस्टेट.
दिस वॉज द लास्ट मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल वॉज एट द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789. इन द फेस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस वाइड स्प्रेड एजिटेशन एंड वीकनिंग पावर ऑफ द किंग द डेप्यूटीज ऑफ द थर्ड स्टेट फियरिंग दैट दे वुड बी ओवररूल्ड By the two privileged orders in any attempt of reform. उनको डर था थर्ड स्टेट के लीडर्स को कि इस बार भी स्टेट वन और टू के लोग पहले की तरह ही अपनी मनमर्जी करेंगे और हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो इस बार उन्होंने अपनी अलग डिमांड रखी वन पर्सन वन वोट वाली. और जब उनकी इस डिमांड को लुईस XVI ने नहीं माना देन दीज पीपल बाइकॉटेड द स्टेट जनरल असेंबली. इस स्टेट जनरल की मीटिंग को उन्होंने बायकॉट किया. एंड ऑन जून 17 हियर यहाँ पे ही एक टेनिस कोर्ट का मैदान है वहाँ पे इन सब लोगों ने जून 17 को थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास वाले पीपल और सभी जो मेंबर्स थे दे हैव गिवन देयर सेल्फ द नेम नेशनल असेंबली. और यहाँ से उन्होंने सब चीज़ अपने हाथ में ली. उनकी यही डिमांड थी कि जो भी इक्वालिटी होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में और प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए, जो भी मोनार्ची है इसको ख़त्म करना चाहिए, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आना चाहिए. तो ये डिमांड्स थी उनकी एस्टेट जनरल में. एस्टेट जनरल का सीधा ही संबंध नेशनल असेंबली के साथ है. सो एस्टेट जनरल की मीटिंग के बाद ही नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन हुई. So, the National Assembly played a major role in the French Revolution. It represented the common people of France, also called the Third Estate, and demanded that the king make economic reforms to ensure that the people had food to eat. So, National Assembly jo thi, it represented the people of Third Estate, who demanded liberty, equality, fraternity. Here we will know how the formation of National Assembly, how the National Assembly was formed. National Assembly, Third Estate, declares itself the National Assembly on June 17, 1789. It invites both First and Second Estate to join. Louis orders them to disband. Louis XVI ने इनको disband करने का order भी दे दिया June 27, 1789 को. But As we all know that more than 80% people were of third estate people, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी as compared to the estate one and estate two. संख्या ज़्यादा होने के कारण they were not having any fear of the government. That is why they formed their own army, people's militia, and that is why they attacked on the government buildings. Government के साथ सीधा उन्होंने मुकाबला करना शुरू कर दिया. So for the formation of National Assembly, in May of 1789, King Louis XVI called a meeting of the Estate General to address France's financial crisis. As we have read in the last slide, तो उसमें देखा था हमने, the Estates General was made up of three groups, the first estate clergy, church leader, second estate nobles, and the third estate, the commoners. Each group had the same amount of voting power, as I told you. The third estate felt that this wasn't fair as they represented 98% of the people. उस समय इनकी संख्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी. देखिए 98% अराउंड 90% तो मिनिमम था ही, अगर ज़्यादा नहीं तो 90, बट कुड स्टिल बी आउट वोटेड. तो उनको इस बार भी डर था कि इस बार भी वोटिंग में नोबेलिटी एंड क्लर्जी की एक दोनों मिल जाएंगे तो हमारा फिर वन वोट ही रह जाएगी. When the king refused to give them more power, the third estate created its own group called the National Assembly. They began to meet on a regular basis and run the country without the help of the king. So, इस तरह से formation of National Assembly जो थी वो हुई यहाँ पे. So, Estate General और National Assembly के बाद पढ़ने के बाद ये two questions आप सबने करने हैं. Try to do it in your notebooks. सो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो क्वेश्चन नंबर वन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टेट्स जनरल. सो यू हैव टू राइट अ नोट ऑन द स्टेट जनरल्स, इट्स मीटिंग एंड हाउ वाज द नेशनल असेंबली रिकॉग्नाइज्ड एंड हाउ डिड इट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स, इसकी फॉर्मेशन, हाउ इट यूजेज इट्स पावर्स, उसके बारे में आप लोगों ने इसमें लिखना है. अभी तक के लिए इतना ही. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी ब्रॉट टू यू इन द फॉर्म ऑफ अनदर वीडियो.
ओके, अभी तक के लिए बाय बाय।